तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों का कल आप लोगों का BGMI के अंदर प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर दोनों के अंदर से ही UC परचेस करने का जो सिस्टम जो ट्रिक आया था वो एकदम से बंद हो गया। अब आखिरकार क्यों बंद हुआ वो तो रीज़न बताऊंगा, इसके पीछे बहुत ही बड़ा चीज़ छुपा हुआ है मेरे को लग रहा है, तो फुल डिटेल से वीडियो को लास्ट तक देखना, नहीं तो आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है, आप लोगों को मतलब दिमाग हिल सकता है, ये सुनने के बाद भी लिटरली आप लोगों का दिमाग हिल जा सकता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से मैं बताने वाला हूँ क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ वो भी बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि कल आप लोगों का जो है BGMI के अंदर प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर दोनों के अंदर से UC परचेस करना जो सिस्टम था एकदम से बंद हो गया। अब एकदम से क्यों बंद हुआ किसी को भी नहीं पता, लेकिन मेरे को जितना पता है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, तो BGMI आप लोगों का मोस्ट प्रोबेबली 28 या 29 जुलाई से आप लोगों का प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर से हट गया। अब उसको हट जाने के बाद आप लोगों का क्या हुआ कि आप लोगों का BGMI डायरेक्ट आप प्ले स्टोर से एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, 12 प्लस वाला जो सेटिंग था वो कर रहे थे, तब आप लोग प्ले स्टोर के अंदर से BGMI का एक्सेस कर पा रहे हो, लेकिन नॉर्मली आप एक्सेस नहीं कर पा रहे हो। आप लोग अगर आप लोगों के फोन के अंदर नहीं है तो आप लोग डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो, सर्वर्स तो चल रहा है लेकिन आप लोगों का डाउनलोड वगैरह नहीं कर पा रहे हो अगर नहीं डाउनलोड है तो। अब इसको क्यों किया गया है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो देखो दोस्तों आप लोगों का जो गेम है उसके अंदर मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक बहुत ही बड़ा मेजर चेंज होने वाला है, बहुत ही बड़ा, क्योंकि कुछ दिन पहले आप लोगों का जेट सिंथेसिस जो आप लोगों का इंडियन गेमिंग कंपनी है उसके साथ होम मिनिस्टर अमित शाह के साथ एक मीटिंग हुआ, एंड जेट सिंथेसिस के अंदर ही कुछ दिन पहले या फिर बोल सकते कुछ महीनों पहले क्राफ्टन ने $5.4 मिलियन का इन्वेस्टमेंट यहाँ भी किया था। तो एज अ रिजल्ट मेरे को लग रहा है कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ चल रहा है। ठीक है, मेरे को लग रहा है कि जेट सिंथेसिस जो इंडियन आप लोगों का गेमिंग कंपनी है उनको मोस्ट प्रोबेबली क्राफ्टन अपना जो गेमिंग का जो पार्ट्स है डिपार्टमेंट है थोड़ा बहुत हैंडल करने के लिए दे रहे हैं, एंड एज अ रिजल्ट गेम के अंदर बहुत ही बड़ा मेजर चेंज हो रहा है। अब आप लोग बोलोगे कि यहाँ पर UC परचेस करने से क्या फ़र्क पड़ता है, तो देखो फर्क पड़ता है। तो 28 एंड 29 से आप लोग का जो गेम है उसका एक्सेस जो है आप लोग का प्ले स्टोर ऐप स्टोर से हटा दिया गया, क्योंकि आप लोग अगर वहाँ पर गेम रहेगा तो आप लोग ईजिली आप लोग UC डायरेक्ट परचेस कर पाओगे जैसे आप पहले करते थे। तो इससे क्या हो रहा है कि आप लोग का UC परचेस तो हो जाएगा, आप लोग अकाउंट के अंदर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर 28 एंड 29 के बाद से आप लोग का जो है हटा दिया गया, क्योंकि अगर वो हटा देंगे तो फिर आप UC परचेस नहीं कर पाओगे। एंड अभी आप लोग अगर देखोगे कि स्काउट या डायनेमो अपने स्ट्रीम्स के अंदर हमेशा बोल रहे हैं कि आप लोग UC परचेस मत करो, परचेस मत करो, ऐसा मतलब उनका कहना है। तो एज अ रिजल्ट मेरे को लग रहा है कि 28 और 29 से पहले तक जिन लोगों के पास अकाउंट के अंदर जितना UC था वो तो हम लोगों को मिलेगा, लेकिन उसके बाद से जिन लोगों ने हम लोगों ने अगर UC किसी तरीके से परचेस किया है मोस्ट प्रोबेबली जो UC है वो हमको नहीं मिलेगा। ठीक है, और मेरे को लग रहा है कि गेम के अंदर बहुत ही बड़ा मेजर चेंज होने वाला है, लाइक आप का जो है क्राफ्टन के साथ साथ गेम के पास में आप लोग का कोई और लोगो ऐड होने वाला है, मतलब यहाँ पर इंडियन कोई कंपनी का भी नाम वहाँ पर जुड़ने वाला है गेम के अंदर। तो एज अ रिजल्ट मेरे को लग रहा है कुछ तो सस्पिशियस यहाँ पर हो रहा है। तो एज अ रिजल्ट इसीलिए मोस्ट प्रोबेबली इन्होंने मतलब इनको जब पता चला कि बहुत सारे लोग मतलब ठीक है अप्लाई करके भी अभी भी UC परचेस कर रहे हैं, तो इसीलिए उन्होंने मोस्ट प्रोबेबली इस चीज़ को बंद कर दिया, नहीं तो बहुत सारे लोगों का नुकसान हो जाता, क्योंकि अगर 28-29 के बाद से कोई UC परचेस करेगा वो अगर अकाउंट में नहीं आएगा तो पैसा ही बर्बाद होगा ना। तो आप लोग देखना कि डायनामाइंड स्काउट भाई भी वही बोल रहे हैं कि UC परचेस मत करो, आप लोगों का पैसा बर्बाद होगा। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट कुछ तो मेजर चेंज यहाँ पर गेम के अंदर होने वाला है। तो एज अ रिजल्ट आप लोग अभी मतलब UC परचेस करने के बारे में एकदम से भूल ही जाओ, क्योंकि अगर करोगे भी तो हो सकता है कि आप लोगों का ना आए, मतलब UC तो आ जाएगा लेकिन बाद में UC आप लोगों का अकाउंट के अंदर ना रहे। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट आप लोग अभी UC परचेस के बारे में भूल जाओ और 15 अगस्त तक वेट करो, उसके अंदर ही हम लोगों का गेम अनबैन बैन जो भी है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आप लोग का UC परचेस करना भी सही से ठीक हो जाएगा। तो चलिए आज के वीडियो को यही रखते हैं, तो मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी एंड पीस आउट।